हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और फाइनली दोस्तों, बहुत दिनों के बाद Zenfone Max Pro M1 में जो एक नया अपडेट देखने को मिला है 19 दिसंबर को, और आज मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको ये अपडेट नहीं मिली है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ये अपडेट आपको कैसे लेना है, और साथ ही यहाँ पर इसमें एंड्रॉयड पाई कब आने वाला है और इसमें क्या चेंजेस आए हैं इस फ़ोन में इस नई अपडेट में। वैसे तो इस अपडेट को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स उड़ रहे थे कि इसमें ये आने वाला है, वो आने वाला है, लेकिन घंटा इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं आई है जो हमें खुश कर दे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें देखने को मिलता है गूगल का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो नवंबर महीने का है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे जो है अक्टूबर महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलना चाहिए था, तो खैर चलिए एक महीना पीछे चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैमरा, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मायने रखता है फ़ोन में तो वो है उसका कैमरा। लेकिन गाइज यहाँ पे इन्होंने जो है सिर्फ काम किया है इसके वीडियो पे, और यहाँ पे मुझे एक और बग मिला है इस कैमरे में। तो अराउंड मैंने दिन भर इसको यूज़ किया तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है इसमें एक और बग हमें देखने को मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वाईफाई और हॉटस्पॉट की कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वोल्टी के नए बैंड ऐड कर दिए, और कुछ थर्ड पार्टी ऐप का यहाँ पे इशू था उसको भी यहाँ पे जो है सॉल्व कर दिया गया है, ये लोगों का ऐसा कहना है। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हो नवंबर का सिक्योरिटी पैच आ चुका है, और इस नई अपडेट का जो बिल्ड नंबर है वो है 338 वाला, और इससे पहले जो था वो 337 वाला था। तो गाइज़ ये अपडेट जो है सभी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएंगी, और वैसे भी अपडेट जो आती रहती है वो जो है बैचेस में आपको देखने को मिलती है, चाहे फिर वो 3 GB वाला वेरियंट हो, 4 या 6 GB वाला। तो मेरे 3 GB वाले वेरिएंट और 6 GB वाले में आ चुका है। और गाइज़ अगर आप इसकी अपडेट को जो है जल्दी से लेना चाहते हैं तो मैं भी आपको बताऊंगा कि अपडेट आपको मैनुअल कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आगे आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले यहां पे कुछ नज़र डाल लेते हैं इसके कुछ फीचर पे जो इस अपडेट में ये लोग कहते हैं। और गाइज़ अपडेट तो ऐसे होना चाहिए कि वो दिखना चाहिए कि वाकई में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। वैसे तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है कि इस अपडेट में हमें जो है करीबन 290 MB के ऊपर ये अपडेट है, तो वहाँ पे ये कुछ ऐसा काम नहीं कर गया इस महीने में कि हमें कुछ ये अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए इस फ़ोन में। और एंड्रॉयड पाई की बात करूँ यहाँ पे तो ना ही दिसंबर में मिलने वाला है और ना ही जनवरी में। और खैर यहाँ पे मैं इसका फिंगरप्रिंट ट्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट रीडर जो है अभी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन भाई जब फ़ोन को हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। इससे पहले मेरे फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट रीडर था वो सही से काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब देखना ये है कि ये आगे चल के कैसे काम करता है, और ये है वो अपडेट जो आपको सबको देखने को मिल जाएंगी आपकी फ़ोन में। लेकिन मेरे नज़र में इस अपडेट का कोई मायने नहीं है, बस यहाँ पे हमें मिलता है तो एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। बट यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि जो बैटरी ड्रेन हो रही है बहुत सारे यूज़र्स की, यहाँ तक कि मेरे फ़ोन की भी बैटरी ड्रेन हो रही थी, और मैं जो कस्टम रोम को यूज़ कर रहा था जबकि वहाँ पे अच्छी मुझे बैटरी लाइफ मिल रही थी, और यहाँ पे अभी भी बैटरी पे काम करना बाकी है। उसके बाद यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स जो है नेटिव वीडियो कॉलिंग को यूज़ करना चाहते हैं, और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉलिंग को इसमें इनेबल नहीं किया गया है। और भी ऐसे कई सारे जो वीडियोज़ आ रहे थे कि यहाँ पे इसमें ये आ जाएगा और वो आ जाएगा, लेकिन गाइज यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आया, और सभी को यही अपडेट मिलने वाली है। और बैटरी अभी भी उसी तरह से ड्रेन हो रही है, करीबन मैंने उसको 7, 8 या 9 घंटे पहले इसको चार्ज किया था, और अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन आइडल यहाँ पे जो है 2% हुआ है, जबकि मैंने उसको दिन भर में बहुत कम यूज़ किया है। इससे अच्छा तो मेरा रेडमी नोट 6 प्रो है, जहाँ पर मुझे करीबन 8 या 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जबकि वो बैटरी जो है 4000 mAh की बैटरी है, और यहाँ पे एक बिग बैटरी लगी हुई है जिसका सही से कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं है Zenfone Max Pro M1 में। और क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं इसके बैटरी के बारे में आपको जो है सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी अगर आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे ये मैं इसको डिसेबल करके इनेबल करता हूँ, और फिर डायलर में जाके देखता हूँ क्या ये इनेबल होता है या नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसमें वोल्टी सर्विसेज तो इनेबल है लेकिन नेटिव वीडियो कॉलिंग के लिए ये काम नहीं कर रही है, ये जो है यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये
डू वीडियो कॉलिंग पे हमें लेके जाता है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे वीडियो कॉलिंग इसमें होने के बावजूद भी उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। और आप में से कई सारे दोस्तों के ये कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि इस अपडेट को कैसे लिया जाए, अभी तक हमारे फ़ोन में ये अपडेट नहीं आई है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि ये अपडेट जो है बैचेस में आपको मिल जाती है, और अगर फिर भी आप जो है इस अपडेट को जल्दी लेना चाहते हैं तो आपको जो है गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है Asus Zenfone Max Pro M1 लेटेस्ट फ्रेमवेयर। तो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है जहाँ पे आपको बायोस एंड फ्रेमवेयर डाउनलोड करना होगा। खैर अभी यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ है, एक या दो दिन में आपको ये लेटेस्ट वाली फाइल यहाँ देखने को मिल जाएंगी, जो करीबन आपको 1.5 या उससे ऊपर GB में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे अभी जो पुराना बिल्ड नंबर है 337 वाला, वही अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे एक या दो दिन के बाद, तो शायद आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए। तो आप जो है उसको वहाँ से डाउनलोड करके मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं, और मैन्युअली अपडेट कैसे करना है मैंने इस पर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसका कैमरा डिपार्टमेंट में क्या इम्प्रूव हुआ है। वैसे तो यहाँ पर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगा है इसके कैमरा डिपार्टमेंट में, बल्कि एक नया बग इसमें आ चुका है। और बग ये है कि यहाँ पे अगर मैं फोकस करता हूँ Zenfone Max Pro M1 में, तो यहाँ पे फोकस पॉइंट ही नहीं है, जबकि Redmi Note 6 Pro में आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस पॉइंट अवेलेबल है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आ रही है, जबकि Zenfone Max Pro M1 में आपको लाइन दिखाई दे रही है डिस्प्ले में। तो अगर आपने ये अपडेट की है तो आप जो है देख सकते हो कि इसके डिस्प्ले में आपको किस तरह से लाइन दिखाई देती है अगर आपके रूम में है। और मेरे रूम में जो है अच्छी खासी यहाँ पे लाइट्स है और यहाँ पे फिर भी ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, तो ये एक नया बग मुझे लगा है। आपको क्या लगता है, ये बग है या फिर कैमरे में कोई ऐसी सेटिंग है जहाँ पे ये सॉल्व हो सकता है? और वैसे तो मैं अपने Zenfone Max Pro M1 में जो GCam और Pixel 3 कैमरा यूज़ करता हूँ, जो पोर्ट किया गया है नॉन पिक्सल डिवाइस के लिए, वो इससे अच्छा वर्क करते हैं वीडियो में, जबकि यहाँ पे ये इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी था इसका स्टॉक कैमरा, क्योंकि GCam और Pixel 3 कैमरा हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट्रेट मोड और बूके वाली सेल्फी हमें देखने को नहीं मिलती है, इसके स्टॉक कैमरे में वही हमें यूज़ करना होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी था इसका स्टॉक कैमरा इम्प्रूव होना। और लास्ट अपडेट मेरे पास ये है इस फ़ोन को लेके कि जो इसका एंड्रॉयड पाई अपडेट आने वाला था ऑफिशियल, वो हमें ना ही दिसंबर में मिलने वाला है और ना ही जनवरी में, बल्कि वो हमें मिलेगा फरवरी के एंड तक, क्योंकि इसके एंड्रॉयड पाई में काफ़ी सारे बग देखने को मिल रहे हैं Asus टीम को, इसलिए वहाँ पे इसको इम्प्रूव करके हमें जो है फरवरी के एंड तक ऑफिशियली ये देखने को मिल जाएगा। तब तक के आप जो है किसी कस्टम रोम को यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड पाई की, काफ़ी सारे कस्टम रोम इसके लिए अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी रोम आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है बूट लोडर अनलॉक करके और TWRP को फ्लैश करके एंड्रॉयड पाई कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हैं। और आपका सवाल ये होगा, क्या TWRP फ्लैश करने से आपकी वारंटी वाइड होती है? तो जी हाँ, आपकी वारंटी वाइड तो हो जाती है, लेकिन आप जो है इसको कंप्लीट अनरूट करके स्टॉक पे आते हैं तो आपका OTA भी जो है अपडेट आपको मिलना शुरू हो जाता है और आपकी वारंटी भी जो है वॉइड नहीं होती है अगर आप इसको कम्प्लीटली अनरूट करते हैं तो। तो गाइज़ ये थी आज की छोटी सी वीडियो इसके अपडेट की, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपको क्या लगता है इसके अपडेट को लेके, आप मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और साथ ही दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लेके कि इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और अब तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जो है पहुंचती रहे।